Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind, and in today's video we are going to discuss about ophiolites. So ophiolites are a very important topic in geology, and today in this video we are going to dissect this topic thoroughly, and we are going to talk about what are ophiolites and what is the rock sequence that we get in ophiolites. Okay, then we are going to talk about each and every rock sequence and also how the ophiolites are found in nature, how they are tectonically emplaced, their geology, their tectonic settings. Then we are going to talk about the geographical locations, the ophiolite belts all over the world where they are found, and the type of ophiolites, and very importantly that why we study ophiolites. Okay, so watch the video till the end. It is a humble request. So if you are a student of geology and geography, don't forget to subscribe to the channel if you are new, and also join my Telegram group. I have given the link in the description below. Okay, so let's start. My name is Swapnil, and let's start with ophiolites. So ophiolites are what? Ophiolite is a segment of oceanic crust and mantle which is tectonically exposed on land by the process called abduction, okay, or overthrust, usually when an ocean basin closes. Okay, so कहने का मतलब यह है कि ओफियोलाइट एक ocean crust का part होता है, plus कुछ mantle का part भी होता है उसमें, जो exposed होता है land में. ठीक है, यानी कि वो ocean में exposed नहीं होता है, वो continental crust पे exposed रहता है. और किस process के जरिए exposed होता है? वो होता है जब हमारा ये ocean जो crust होता है, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ मेंटल ओवर थ्रस्ट और ऑब्डक्ट ऑन टू द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर. ओके, यूजली वेन द ओशन बेसिन आर क्लोजिंग. ओके, सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट ओफियोलाइट्स. अब दूसरी बात आती है कि हम ओफियोलाइट्स को हम ओफियोलाइट क्यों कहते हैं, नाम कैसे पड़ा है इसका ओफियोलाइट. ठीक है, तो लिटरली सेंस में हम बोले तो ओफियोलाइट का मतलब होता है स्नेक स्टोन. ठीक है, अब स्नेक कहां से आ गया? देखो, ओफियो का मतलब ग्रीक में होता है स्नेक, एंड लिथोस सबको पता है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन. ओके, इन ग्रीक. अब ओफियो टर्म क्यों दिया गया इसे? सो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि सर्पेंटनाइट या सर्पेंटीन मिनरल का नाम सबने सुना होगा. अगर आप नहीं सुना तो कोई बात नहीं. सर्पेंटिनाइट एक रॉक होती है जिसमें सर्पेंटीन मिनरल बहुत अबंडेंट होता है. ठीक है ना, सर्पेंटीन एक मिनरल होता है जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आप लिखा है, देख सकते हैं, Mg3SiO5OH4. अब ये मिनरल जो होता है ये एक तरीके का मेटामॉर्फिक मिनरल होता है या ऑल्टरेशन मिनरल होता है. ठीक है, और ये ऑल्टर्ड होता है किससे? ऑलिविन से ज्यादातर. ठीक है ना, यानी कि वो रॉक्स जो अल्ट्रामॉर्फिक रॉक्स होती है. ठीक है, अब अल्ट्रामॉर्फिक रॉक्स में आपको पता है कि ऑलिविन पाया जाता है. ठीक है, तो आपकी कोई भी रॉक जो पेरिडोटाइट होती हैं, ठीक है, यानी कि हर्ट्सबर्गाइट, लहर्सोलाइट, ड्यूनाइट वगैरह, उनका जब ये वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग या हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन होता है, तो उसके जरिए हमें सर्पेंटाइन मिनरल मिलता है. तो अर्लियर जब ये C4 स्प्रेडिंग थ्योरी ऑरिजिनेट नहीं हुई थी, या यू कुड से द प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ऑरिजिनेट नहीं हुई थी, तो उस समय एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर ब्रोगनियार्ड इन 1813-1821. सो ही यूज द टर्म ओफियोलाइट फॉर दिस सर्पेंटनाइट रॉक्स. ठीक है, अब इस सर्पेंटनाइट रॉक्स का एसोसिएशन ओफियोलाइट से क्यों है ये हम बाद में पता चलेगा हमें, लेकिन अभी ये सिर्फ हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नाउ सर्पेंटनाइट में एक नाम तो आपको इजीली मिल रहा होगा कि सर्पेंटीन. ठीक है ना, सर्पेंटीन यानी कि स्नेक जैसा. तो ये रॉक आपको जो दिख रही है ये सर्पेंटनाइट रॉक है, एंड दिस लुक्स लाइक अ स्नेक स्किन और अ स्नेक टेक्सचर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओफियोलाइट. नाउ इसका रिलेशन ओफियोलाइट से क्यों है इस रॉक का? क्योंकि ओफियोलाइट जो होता है एक रॉक सिक्वेंस होता है, एंड उसमें जो अल्ट्रामॉर्फिक रॉक होती है बेस में, वो ज्यादातर जब हमें एक्सपोज मिलती हैं वो तो ऑल्टर्ड मिलती हैं हमें, यानी कि उसका ओरिजिनल मिनरल जो फॉर्स्ट्राइट होता है या ऑलिविन होता है या जो भी अल्ट्रामॉर्फिक मिनरल होता है वो हमें ओरिजिनल सिचुएशन में नहीं मिलता है, उसका ऑल्टर्ड प्रोडक्ट सर्पेंटाइन मिलता है, यानी कि हमें ये रॉक मिलती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओफियोलाइट्स. ठीक है,
देन 1813 में जब इसको ओफिलाइट नाम रखा गया था, उस समय जो ओफिलाइट की थ्योरी थी वो नहीं आई थी। धीरे धीरे इसको और साइंटिस्ट ने एडवांस तरीके से, ठीक है, थ्योरी दी, एंड बाद में जो ये पूरी रॉक सीक्वेंस की थ्योरी आई उसको हम ओफिलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात रही कि ओफियोलाइट्स क्यों कहते हैं। सो द रॉक सीक्वेंस इज नेम्ड फॉर द ब्रिलियंट ग्रीन स्नेक लाइक सर्पेंटाइन मिनरल विच फॉर्म इन ऑल्टर्ड ओशन क्रस्ट एंड मेंटल। अब दूसरी बात आती है कि ओफियोलाइट्स क्या रेयर होते हैं या कॉमन होते हैं। बट ओफियोलाइट्स आर रेयर, ओके, बट दे आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। मोस्टली जो नोटेबल ओफियोलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट ओफियोलाइट्स हैं, वो थ्रोडोस साइप्रस में हैं, अपने नॉर्थ वेस्टर्न यूएस में हैं, अमेरिका में हैं, एल्प्स में पाए जाते हैं, पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं, एंड ओमान का जो ओफियोलाइट है वो बहुत ही फेमस है, सिमाइल ओफियोलाइट्स है। ठीक है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे जब एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, सो आइडलाइज्ड ओफियोलाइट सूट इज रेयरली फाउंड इन नेचर। ठीक है, तो हम इस आइडलाइज्ड ओफियोलाइट सूट के बारे में बात करते हैं कि भाई ये रॉक सीक्वेंस है क्या। सो द आइडल ओफियोलाइट इंक्लूड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप द फॉलोइंग यूनिट्स। सो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, बॉटम टू टॉप, ठीक है। सो बॉटम में हमें अल्ट्रामाफिक टेक्टोनाइट, ठीक है, यानी कि जनरली जो अल्ट्रामाफिक रॉक होती है, पेराडोडाइट होती है, जनरली हर्ट्सबर्गाइट रॉक आपने सुनी होगी। ठीक है, पेराडोडाइट एक रॉक क्लासिफिकेशन होता है, रॉक ग्रुप होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ ऑलिवीन पायरोक्सिन एंड क्लाइनोपायरोक्सिन। ठीक है, ये मिनरल होता है, तो इनके कंपोजिशन पे हमें हर्ट्सबर्गाइट जनरली मिलती है। ठीक है, बॉटम लेयर में। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो नीचे डायग्राम में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें लेयर्ड कुमुलेट गैब्रू एक रॉक होती है, ठीक है, अल्ट्रा बेसिक रॉक वो पाई जाती है। फिर हमें नॉन कुमुलेट गैब्रू जो नॉन लेयर्ड होती है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक होती है, ठीक है, डायराइट्स पाए जाते हैं, एंड इन सम टाइम्स वी ऑल्सो गेट प्लेजियो ग्रेनाइट्स। ठीक है, यानी कि एम टाइप ग्रेनाइट्स, ग्रेनिटॉइड्स। ओके, देन वी हैव गेट वी गॉट शीटेड डायबेस डाइक्स। ठीक है, एंड देन आफ्टर डाइक्स वी गेट, समटाइम्स वी ऑल्सो गेट सिल्स, बट यूजली वी गेट पिलो बसॉल्ट। एंड सिक्स लेयर यहाँ पे मैंशन नहीं है, एंड इट्स कॉल्ड मरीन सेडिमेंट्स। ओके, सो यूजली मरीन सेडिमेंट्स को रखा नहीं जाता है इस सूट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर आइडलाइज ओफिलिटिक सूट। सो एज यू कैन सी, दिस इज योर टॉप एंड दिस इज योर बॉटम। सो क्रक्स जो है वो यहाँ पे है पूरा ओफिलाइट सूट का। सो दिस होल लेयर यू कैन सी हैज, दिस होल ब्लॉक यू कैन सी हैज डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, तो नीचे पे हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, दिस इज योर अल्ट्रामॉर्फिक टेक्टोनाइट। ठीक है, नीचे मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स होता है, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ ओफिलाइटिक सूट, बट सम साइंटिस्ट डू यूज इट एज अ, इट एज फॉर इलस्ट्रेशन। ओके, देन वी गेट अल्ट्रामाफिक कुमुलेट्स, ओके, दैट इज गैब्रो। ठीक है, देन ऊपर ऊपर जाते हैं तो माफिक होता जाता है हमारा सूट। ठीक है, अल्ट्रामाफिक से माफिक, देन वी गेट नॉन कुमुलेट प्लूटोनिक रॉक्स, प्लेजियो ग्रेनाइट्स। ठीक है, यानी कि एम टाइप ग्रेनाइट्स या ग्रेनिटॉइड्स, जिसमें टोनालाइट आता है। ग्रेनिटॉइड्स की आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, SIAM, जिसमें ये, तो जनरली एम जो टाइप ग्रेनाइट होते हैं वो ओफिलाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव ट्रांजिशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन शीटेड डाइक्स एंड ग्रेनिटॉइड्स, देन ट्रांजिशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन शीटेड डाइक टू पिलो बसॉल्ट, एंड देन पिलो बसॉल्ट लावा, एंड देन वी गेट एट द टॉप शीट और वेनियर ऑफ पेलाजिक सेडिमेंट्स। ओके, एंड डीप सी फैन एटसेट्रा। So at the left you can see there are some name written. So these are the geographical location where the ओफिलाइट suits are found. So अगर आप देख रहे होंगे left में, तो सबसे complete जो sequence है, एक Bay of Islands है, ठीक है, and second is Semile. तो Semile जो ओमान में है, ये बहुत ही famous ओफिलाइट sequence है, और यहाँ पूरा हमें sequence मिलता है, as you can see. Okay, and Papua New Guinea में भी हमें पूरा sequence मिलता है। ठीक है, अब हम बाकी बात करते हैं कि हमें ऑफियोलाइट्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, व्हाई व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ऑफियोलाइट्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो
यूजली अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि ओफेलाइट्स हमें क्यों पढ़ा जाता है, तो जनरली ओशन, ओशनिक क्रस्ट प्लस मेंटल की स्टडी करने के लिए हमें ओफेलाइट्स की जरूरत पड़ती है। वाई पड़ती है? क्योंकि स्टडीइंग द जियोलॉजी ऑफ द एक्चुअल ओशन फ्लोर इज सो चैलेंजिंग। वाई? बिकॉज अगर हमें एक्चुअल ओशन फ्लोर को पढ़ना है और उसमें फील्ड वर्क करना है तो हमें ओशन के बॉटम तक जाना पड़ेगा, राइट? एंड ओशन के बॉटम तक जाना आसान नहीं है, उसमें खर्चा बहुत आता है, एक्सपेंसिव बहुत होता है, सबमरीन्स चाहिए होती हैं, ठीक है? सो व्हाई नॉट डू इट इकोनॉमिकली एंड मोर एफिशिएंटली? तो ओफेलाइट जो होते हैं, हमें पता है कि भाई उस जो रिप्रेजेंट करते हैं ओशनिक क्रस्ट एंड सम पार्ट ऑफ द मेंटल को, तो जहां जहां ये लैंड पे एक्सपोज होते हैं ज्यादातर मरीन जियोलॉजिस्ट वहीं वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड एक ऐसा प्लेस है जहां पे आपको मिड ओशनिक रिज मिलेगी, राइट? यू नो दैट मिड अटलांटिक रिज इज पासिंग थ्रू द आइसलैंड, राइट? सो इट्स अ मिड ओशनिक रिज and it passes through the Iceland. It also has a hot spot plus it also has ophiolites, okay? So which are the fragment of ocean crust and mantle that have been exposed on land, okay? So ye iske zariye study karna mein easy ho jata hai, ophiolites ke zariye, okay? So we do know that और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ओशनिक क्रस्ट जो हमें एक्सपोज्ड मिलता है लैंड, ये बहुत ही स्मॉल स्लीवर्स होते हैं, राइट? स्मॉल शीट्स होती हैं, ना कि पूरा का पूरा ओशन क्रस्ट हमें मिलेगा, राइट? सो दीज आर सम स्मॉल शीट्स एंड ओके दैट थ्रस्ट अप टू ऑन लैंड। सो व्हाई दे आर थ्रस्टिंग ऑन टू लैंड, बिकॉज यूजली क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो सब्रैक्ट करता है बिकॉज इट इज हैवी एंड डेंस। सम पार्ट ऑफ इट गेट ऑब्डक्ट ऑन टू इट ऑन टू द कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। वाई? बिकॉज यूजली जो कुछ जो ओशन क्रस्ट होता है जो यंग होता है और रिलेटिवली हॉट और बॉयंट होता है, ठीक है? सो दैट्स वाई सम पार्ट ऑफ इट गेट्स ऑब्डक्टेड, बट यूजली जो ओशनिक लिथोस्फीयर होता है वो सबडक्ट करता है। ये सब आपको पता है, 90% इवन 99% ऑफ द ओशनिक लिथोस्फीयर विल सबडक्ट, ओके? ओके, ओनली 0.5 और 0.8% विल ऑब्डक्ट ऑन टू कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, राइट? तो पहली बात होगी कि ओशन क्रस्ट की स्टडी करने के लिए, दूसरी बात होगी कि अंडरलाइंग मेंटल, क्योंकि मेंटल का पार्ट भी इसमें रहता है, यानी कि दिस पोर्शन यू कुड से इज अ पार्ट ऑफ मेंटल, बिकॉज मेंटल की आप बात करें तो मेंटल में जो रॉक पाई जाती हैं वो पेरिडोडाइट रॉक पाई जाती हैं, ठीक है? एंड दिस पार्ट यू कुड से मोटा मोटा इज अ मेंटल पार्ट। सो इफ दे आर एक्सपोज ऑन द लैंड इट इज ईजी टू स्टडी द mental portion of the ophiolite, okay? So since we cannot directly sample the mantle because we cannot drill deep down to the mantle and get the samples directly, so ophiolites become more important, okay? So their values are very very important and we can observe the large section of the mantle rocks directly from the ophiolites, okay? अब हम बात करते हैं कि ओफियोलाइट्स की टेक्टोनिक सेटिंग्स और कैसे ये ओफियोलाइट्स हमारे कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर पे आ जाते हैं, ठीक है, एम्प्लेस्ड होते हैं। सो यूजुअली देयर आर थ्री सेटिंग्स, ओके, थ्री मेजर मैकेनिज्म ऑन हाउ वी आर गेटिंग द ओफियोलाइट्स। सो तीन मेजर मैकेनिज्म क्या हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ओके? तो लेट मी जस्ट फिक्स दिस फॉर योर गाइस। ओके, तो आपने अगर आप ध्यान दे रहे होंगे मेरी बातों पे तो आपने पहले सुना होगा कि यूजुअली जब ओशन फ्लोर क्या होता है, ओशन बेसिन क्लोज होता है, ठीक है? सो दिस पोर्शन यू कुड से
is the ocean basin, right? And these are two layers, two continental lithosphere, and they are coming to together towards each other. And this blackened and thin portion, you could say, is a oceanic lithosphere, right? And this part is the mantle, the greenish, light greenish part. Now, after some times, these two plates will crash each other, and some part of the mantle, you could say the oceanic part, will subduct down, and some part of this oceanic lithosphere will abduct onto the continental lithosphere. Okay, some part, only slivers, and here some part of this oceanic lithosphere is abducted onto the this portion, right? This is the, actually you can say this is the forearc portion, and usually the erosion happens, and some part of it will get eroded down, and you will only get some slivers of the ophiolites. Now there are three mechanism, okay, three major mechanism by which ophiolites are in place. So पहला है जो है वो है obducting और thrusting of oceanic lithosphere onto a passive continental margin during continental collision. Okay, so as you can see, this is your first mechanism, and this is you could say the oceanic lithosphere is subducting down, and this is your passive continental margin, right? And the blackened portion, you could say, is obducting onto the passive continental margin. Okay, second one is splitting of upper part of the descending slab and obduction of the thrust sheet onto a former arc. Okay, so this could be an island arc or whatever, and let's say originally it was subducting down, okay, and after some time this portion got broken down and rest of the sheets got abducted onto the arc. And third is, usually when the subduction is happening, you could say this is your mantle wedge or whatever, and this is your accretionary prism, and some part of during the abduction, that is the active abduction, okay, so during the active subduction, some part of it will get emplaced onto the accretionary prism, okay, in an arc system. Sorry about the background noise, okay, just ignore it. तो ये बात रही हमारी मैकेनिज्म की. तीसरी बात ये भी आती है कि यार एक और मेजर मैकेनिज्म है जो एड करता है ऑब्डक्शन ऑफ ओफिलाइट्स. सो वो मेजर जो प्लेयर है वो ये है हमारा मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स. अब ये मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्चुअली दे आर द मेटामॉर्फिक सोल्स, दे आर कॉल्ड. ओके, तो आपने पिछली पिक्चर देखी होगी मेरी, इसमें तो इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस मार्क्स द बाउंड्री ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ ओफिलाइट सूट, एंड दिस इज योर मेटामॉर्फिक कॉम्प्लेक्स और मेटामॉर्फिक सोल. ओके, and this is actually ductile, it is very fractured and has very foliations, okay, you could say, and this also leads to the abduction of oceanic lithosphere, because it is ductile, so it easily get detached. Okay, so understand what I'm trying to say. So you could say that this is your oceanic lithosphere, and this is your ophiolitic suit, okay, and right here is your metamorphic sole. So usually it is foliated, okay, and the oceanic lithosphere is easily mobile due to this plasticky suit, you could say. Okay, so their thickness generally ranges from 10 to 500 meters, okay, and they are highly deformed and has pronounced tectonic foliation, and due to this nature
they are able to the ocean lithosphere is able to, you could say, slide down, slide onto the land. Okay, so this is nothing, this is just your back arc and fore arc diagram. So generally the oceanic lithosphere or ophiolite is abducted onto the fore arc region. Okay, this is your fore arc region, this is your back arc basin, right? So this is your mantle wedge and accretionary prism here. So generally this lithosphere will and after sometimes some slivers of it will get emplaced onto the prism, accretionary prism here. Okay, so ये बात रही हमारी टेक्टोनिक एम्प्लेसमेंट की. अब हम बात करते हैं कि ओफिलाइट्स कैसे बनते हैं. सो यूजली क्या होता है कि बीनीथ द ओशन रिजेस, ओके, एमओआर मिड ओशनिक रिजेस, वी गेट सम टाइप ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी हियर. दिस रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट नियर देन ओशनिक रिज, ओके, मिड ओशनिक रिज. ओके, सो दिस इज योर मैग्मा चेंबर, ऑलराइट, एंड दिस इज योर रिज हियर, एंड लावा इज फ्लोइंग आउटवर्ड्स एस दिस फैशन. अब होता क्या है, इस डायग्राम को आप ध्यान में रखिए. एंड यूजली क्या होता है, प्रेशर डिक्रीजेज इन राइजिंग एस्टिनोस्फेयर बीनीथ द ओशन रिजेस, राइट. सो जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आता जाएगा उसके ऊपर का प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा. एंड हमें पता है कि प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो मेंटल होगा वो पार्शली मेल्ट करेगा. अब हमें पता है कि लैरजोराइट जो रॉक होती है वो उसमें इक्वल अमाउंट में ओलिविन, क्लाइनोपैरोक्सीन एंड ऑर्थोपैरोक्सीन मिनरल होता है, ठीक है, राइट, समथिंग लाइक दिस यू कुड से. ओके, सो दिस इज योर टिपिकल डायग्राम ऑफ पेरिडोडाइट रॉक्स, पेरिडोडाइट रॉक्स, एंड दिस इज ओलिविन, ऑर्थोपैरोक्सीन एंड क्लाइनोपैरोक्सीन. नाउ जनरली जो हमारा नॉन डिप्लीटेड जो मेंटल होता है वो लैरजोलाइट कंपोजिशन में होता है, यानी कि इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ ओलिविन, ओपीएक्स एंड सीपीएक्स, राइट. अब क्या होता है कि जब पार्शियल मेल्टिंग होती है तो लैरजोलाइट पार्शियली मेल्ट टू प्रोड्यूस बसोल्टिक मैग्मा. अब आपको पता है कि पार्शियल मेल्टिंग में हमारा पहला अल्ट्रामाफिक मैग्मा होता है, फिर ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है. तो पार्शियल मेल्टिंग होगी तो बसाल्टिक मेल्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट करेगा, फिर उसके बाद फेल्सिक करेगा, ठीक है. ऐसे ऐसे करके पार्शियल मेल्टिंग होती है, ठीक है. सो दिस मैग्मा कलेक्ट इन शैलो चैम्बर्स 3 to 6 kilometers डीप एंड अंडरगो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. लेयर्ड अल्ट्रामाफिक एंड गैब्रोइक रॉक अकुमुलेट आफ्टर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इन द मैग्मा चैम्बर फॉर्मिंग कुमुलेट सेक्शन ऑफ ओफिलाइट्स, ठीक है. द टेक्टोनाइट हर्ट्सबर्गाइट रिप्रेजेंट रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मेल्टिंग विच इज हाईली डिफॉर्म्ड एंड शेयर ड्यू टू लेटर एडवेक्शन मोशन ऑफ द एस्टिनोस्फेयर. ये बहुत ही सिंपल भाषा आपको समझ आ रही होगी, ठीक है. फिर उसके बाद डाइक्स जो होते हैं वो इजेक्टेड फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर फॉर्मिंग शीटेड डाइक्स, ओके, फॉर्मिंग पिलो लावा इन द एक्सियल रिफ्ट. फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन इन द मैग्मा चैम्बर आल्सो गिव राइज लोकली टू द डायराइट्स एंड प्लेजियोग्रेनाइट्स, जिसकी मैं बात कर रहा था, विच आर इंक्लूडेड एट टॉप ऑफ द लेयर कुमुलेट सीरीज, ठीक है. तो होता क्या है, अपना कन्वेक्टिव मूवमेंट चल रहा है इधर, ठीक है. अब ये क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, दिस इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, ओके. सो यूजली क्या होता है कि जब पार्शियल मेल्टिंग होगी तो अपना लैरजोलाइट मेल्ट करेगा, ठीक है. तो जो रेजिड्यू लेफ्ट बचेगा वो हर्ट्सबर्गाइट के रूप में बचेगा, फिर उसके बाद अल्ट्रामाफिक कुमुलेट्स यानी कि गैब्रो वगैरह, ठीक है, यानी कि लेयर्ड गैब्रो, ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए सेटल होंगे, ठीक है.
फिर माफिक यानी कि अपना बसॉर्टिक कंपोजिशन के, ठीक है, डायबेसिक टाइप के कुमुलेट होंगे, फिर नॉन कुमुलेट होंगे, ठीक है, आइसोट्रॉपिक गैब्रो वगैरह, फिर अपना शीटे डाइक्स बनेंगी, ठीक है। मैग्मा जो बचा हुआ मैग्मा होगा वो क्या करेगा, बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द मैग्मा होगा वो बेसिक नेचर का होगा, अल्ट्रामाफिक का तो ऑलरेडी क्या होगा, रेजिड्यू लेफ्ट बच गया, ठीक है। सो शीटे डाइक्स विल एंट्रूड, ठीक है, एक्चुअली एज यू कैन सी, एंड देन एट द टॉप ऑफ द पोर्शन वी विल गेट पिलो लावा, एंड उसके बाद यहाँ पे मरीन सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट द ओफियोलाइट सीक्वेंस, ओके, हाउ इट इज फॉर्म। नाउ जनरली जो टेक्टोनाइट हर्बर्गाइट होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, शेयर्ड होती हैं काफ़ी, बिकॉज ड्यू टू द कन्वेक्टिव मोशन दे आर गेटिंग शेयर्ड एंड फोलिएटेड, राइट, लेटरल एडवेक्शन मोशन। अब हम आते हैं पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ओफियोलाइट्स। सो पेट्रोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ओफियोलाइट्स में दो तरीके के ओफियोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं जो मिड ओशनिक रिज पे बनते हैं जनरली, एंड दूसरा इज सुप्रा सबडक्शन जोन्स पे जो बनते हैं, ठीक है। तो जनरली जो मिड ओशनिक रिज पे बनते हैं वो मोस्टली हमें वही वाले पाए जाते हैं, SSD टाइप्स आर लेस, ठीक है। सो दे आर फॉर्म्ड आइदर एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दैट इज मिड ओशनिक रिजेस, और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, दैट इज सुप्रा सबडक्शन जोन, ओके। सो यू नो दैट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इज व्हाट, दिस इज योर मिड ओशनिक रिज, ओके। सो सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग एंड एट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज यू गेट समथिंग लाइक दिस, एंड हियर द ओशनिक लिथोस्फेयर इज सबडक्टिंग बीनीथ। तो यहाँ पे भी हमें ओफिलेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्डक्ट तो इसी पोजिशन में करेंगे। सो ओफियोलाइटिक मेटल पेरिडोडाइट इज द रिफ्रैक्टरी रेजिड्यू आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ बेसाल्टिक मेल्ट, ये अभी हमने पढ़ लिया है। ऑल्दो प्राइमरी मेटल पेरिडोडाइट मे बी लैर्जोलाइट विद अबंडेंट क्लाइनोपाइरोक्सिन, इट चेंजेस इनटू सीपीएक्स पोर और फ्री हर्ज़बर्गाइट एज द डिग्री ऑफ मेल्टिंग इंक्रीजेस। तो जैसे मैं बता रहा था कि लैर्जोलाइट जब पार्शल मेल्ट करेगा, so as you can see here this is your lherzolite and after partial melting the residue rock which is left is hertzbergite, and hertzbergite is poor in cpx, right, so there is no cpx, only opx and olivine, all right। to so agar hum mantle peridotite ki baat kare तो मिड ओशनिक रिज से अगर हम कोई सैंपल लेते हैं, राइट, मिड ओशनिक रिज में हमें ओफिलाइट्स नहीं मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ ओफिलाइट्स बनते हैं लेकिन ओफिलाइट्स हमेशा हमें लैंड पे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल रीजन में मिलेंगे, ठीक है ना। तो MOR से अगर हम कोई पेरिडोडाइट का सैंपल लेते हैं तो वो मोस्टली हमें लैर्जोलाइट के फॉर्म में मिलेगा, लैर्जोलाइट रॉक की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ओफिलाइट्स में जो सॉरी मिड ओशनिक रिज का जो ओफिलाइट्स बनता है, ठीक है ना, उसका अगर सैंपल होगा तो वो हमें लैर्जोलाइट के रूप में मिलेगा, राइट। सुप्रा सबडक्शन जोन का जो सैंपल होगा, ठीक है, जो ओफिलाइट SSG जोन में बना होगा यानी कि ट्रेंच वॉल्स में बना होगा वो मोस्टली हर्ज़बर्गाइट होगा, ये आपको ध्यान में रखना, ये दो चीजें, ठीक है। तो हर्ज़बर्गाइट की रॉक SSG SSG एंड अपना लैर्जोलाइट इज MOR टाइप, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट की बात करें, जियो केमिस्ट्री की बात करें, तो ओफिलेटिक बसाल्ट में, ठीक है, चाहे वो MOR हो या SSG वाला ओफिलाइट हो, उसमें जो जियोकेमिकल कंपोनेंट होता है वो डिप्लीट होता है टेंटलम एंड नायोबियम में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज योर समाइल ओफियोलाइट्स एंड ट्रोडोस ओफियोलाइट। समाइल मुझे लगता है कि MOR टाइप का है, एंड ट्रोडोस इज SSZ, ठीक है, ट्रोडोस अपना साइप्रस में है, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि दिस वन इज समाइल वन एंड दिस वन इज ट्रोडोस वन, ठीक है।
और ये अपना एनमॉर्व है, नेचुरल एनमॉर्व है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर रेयर एलिमेंट्स, ठीक है। सो सॉरी, ट्रेस एलिमेंट्स एंड टेंटलम एंड नायोबियम में डिप्लीटेड है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स हैं जिनमें ये सबडक्शन जोन में ओफिलेट्स डिप्लीटेड होते हैं। सो नायोबियम एंड टेंटलम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने पहले आरईडी बोला था, ये आपको, ये गलत है, दिस इज नॉट आरईडी, दीज आर इनकॉम्पेटिबल ट्रेस एलिमेंट्स, ओके। इसमें एलए, लैंथनम एंड सीरियम एंड यूरोपियम, दीज आर पार्ट ऑफ आरईए। अब हम लिथोलॉजी पे आते हैं और देखते हैं कि जो सीक्वेंस है रॉक का वो कैसे कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो लेयर्स हैं इनको फर्दर डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है, इनटू सब लेयर्स बेस्ड अपॉन डेंसिटी एंड टेक्सचरल फीचर्स। तो डीप सी सेडिमेंट सबसे टॉप पे देखते हैं कि इसमें तो कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। जो बसाल्टिक पिलोज होते हैं उनको ऑफन डिवाइड किया जाता है ए बी सी लेयर में, ठीक है, यानी कि 2A एंड 2B में, ठीक है। 2A रिप्रेजेंट सरफेस पिलो लावा बसाल्ट, वाइल 2C रिप्रेजेंट जोन विद शीटेड डाइक्स, ओके। तो समटाइम्स कुछ जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, यहाँ पे भी शीटेड डाइक जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम 2C का या 2B का नाम देते हैं, यहाँ पे 2B का नाम दे रखा है, ठीक है। सो दिस इज योर 2B, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन जोन होगा ना भाई, एकदम शार्प बाउंड्री तो होगी नहीं, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन होगा बिटवीन बसाल्टिक पिलो लावाज एंड शीटेड डाइक्स, इट इज नोन एज 2B, ओके। सो 2B इज अ शॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो कुछ जियोलॉजिस्ट जस्ट 2A में इसको वो कर देते हैं, 2C अपना शीटेड डाइक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। देन हम थ्री लेयर थ्री की बात करें, सो थ्री में 3A एंड 3B है। 3A का मीनिंग क्या है, रेगुलर गैब्रू, अपना आइसोट्रॉपिक गैब्रू है, और यहाँ पे अपना ये एक्चुअली डायग्राम में दिखा नहीं रखा है, बट ये दिस इज योर लेयर गैब्रू एंड यहाँ पे नॉन लेयर्ड गैब्रू है, ठीक है, नॉन कुमरेट गैब्रू है। फिर फोर्थ की बात करें, सो पेरिडोडाइट जनरली सब डिवाइडेड नहीं होता है, ओके। ऊपर पे अपना लेयर्ड पेरिडोडाइट होता है, नीचे इज टेक्टोनाइट पेरिडोडाइट, जिसके बारे में बात कर रहा था। दिस इज यूजली वेरी डिफॉर्म्ड ड्यू टू द लेटरल एडवेक्शन मोशन ऑफ द एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। और थिकनेस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इनकी लिथोलॉजी के बारे में। तो पिलो बसाल्ट की बात करेंगे सबसे पहले, तो यूजली बसाल्टिक कंपोजिशन में होते हैं, ठीक है, और यूजली दे आर ऑल्टर्ड, ठीक है। बहुत टाइम अगर उन्हें सरफेस पे रहेंगे तो वेदरिंग केमिकल वेदरिंग के जरिए या इवन मेटामॉर्फिज्म के जरिए, जब आप ऊपर मतलब एबडक्ट होगा तो मेटामॉर्फिज्म भी होगा, तो जियोलाइट एंड ग्रीन शिस्ट मेटामॉर्फिज्म में मिलेंगी, ठीक है। सो माफिक मिनरल जनरली ट्रांसफॉर्म्ड क्लोराइट। अब हम बात करेंगे शीटेड डाइक्स की, ठीक है। तो वर्टिकल शीटेड डाइक्स होती हैं, सिंगल चिल्ड मार्जिन होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्जियल मैग्मा चैम्बर में आपको देखा होगा कि जो शीटेड डाइक्स हैं वो जनरली एक्जियली ओरिएंटेड होती हैं, और सिंगल चिल्ड मार्जिन होता है मतलब, यानी कि एक अगर डाइक इंट्रूड गया फिर वो कूल हुआ तो दूसरा डाइक इसको इंट्रूड कर देगा और इसको सेकंड वाले को स्प्लिट अपार्ट कर देगा, ठीक है, ओके। सो इंट्रूड एंड स्प्लिट द अर्लियर वंस, इम्प्लेस्ड इन शैलो ब्रिटल एक्सटेंशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, ब्रिटल और शैलो एक्सटेंशनल एनवायरनमेंट में होता है, एंड कंपोजिशन मेनली डायाबेस विद डायराइट एंड समटाइम्स डायराइट एंड पैरोक्सिनाइट, ठीक है। तो मेनली डायाबेस होता है, यानी कि बसाल्टिक होता है। बसाल्ट और डायाबेस में क्या अंतर होता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
तो मोस्टली डाइक्स जो होती हैं 5 मीटर की विड्थ होती है, ओके, सिंगल चिल्ड मार्जिन होता है. दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपीटेड इंट्रूजन इन द सेंटर ऑफ अ सिंगल ओपन फिशर. ओके, तो फिशर एक ही रहता है. सो क्रॉस कट डाइक्स नहीं होती है, ठीक है. कहने का मतलब ये, क्रॉस कट डाइक्स कैसी होती हैं, ऐसी कैसी होती हैं, ठीक है ना, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में डाइक्स हो रही हैं. बट हियर वी हैव समथिंग लाइक दिस, ओके. तो फिशर एक ही रहेगा, इसमें ही लगातार डाइक्स आती रहेंगी. ओके, तो आगे बढ़ते हैं गैब्रो के बारे में. सो गैब्रोस हमें पता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के जरिए शैलो एक्सियल मैग्मा चैम्बर में, ठीक है, क्रिस्टलाइज होते हैं एंड दे फीड द डाइक्स एंड बसॉल्ट्स, ठीक है, ड्यू टू पार्शियल मेल्टिंग, ठीक है. लेयर 3A में मतलब पता है आइसोट्रॉपिक नॉन कुमुलेट गैब्रो होते हैं एंड लेयर 3B में यानी कि बॉटम में कुमुलेट गैब्रो होता है, ठीक है. इस गैब्रो में प्लेजो ग्रेनाइट्स भी होते हैं, ठीक है. दीज आर एम टाइप्स ग्रेनाइटॉइड्स, यूजली टोनालाइट्स, ठीक है. और इन प्लेजो ग्रेनाइट्स में कौन कौन से मिनरल होते हैं, हॉर्नब्लेंड, सीपीएक्स, बायोटाइट, ठीक है. दीज मिनरल्स डिफाइन दी प्लेजो ग्रेनाइट्स. प्लेजो ग्रेनाइट्स आपने SIM क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे. फिर लेयर 4 जो बॉटम की लेयर होती है जो जनरली पेरोडाइट की होती है, तो वहाँ पे अपना क्यूमुलेट, लेयर ड्यूनाइट, हर्ट्सबर्गाइट, जीनोलिथ, ओके, क्रोमाइट लेंसेज एट टॉप, बॉटम में टेक्टोनाइट, हर्ट्सबर्गाइट होती है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर MOR से सैंपल लिया गया है तो जनरली लेयर्जोलाइट की बात होगी एंड अगर SSG से लिया गया है तो हर्ट्सबर्गाइट की बात होगी, बिकॉज यहाँ पे ये डिप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि लेयर बिटवीन 3 एंड 4, बाउंड्री बिटवीन 3 एंड 4 रिप्रेजेंट दी मोहरोविचिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ओके, सो 3 एंड 4 दिस रिप्रेजेंट दी मोहरोविचिक डिसकंटिन्यूटी बिकॉज दिस इज योर क्रस्ट एंड हेयर इज दी मेंटल, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं और मेटामॉर्फिक सोल सबसे नीचे पे होता है, ठीक है. इट एड्स इन द एज अ एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ टेक्टोनिक एम्प्लेसमेंट, ठीक है. अब हम देखते हैं कि हिस्टोग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एजेस ऑफ ऑफिलाइट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो अपना पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री में कहाँ कहाँ कब कब ऑफिलाइट्स की पल्सेस हुई हैं, तो ज़्यादातर मीसोजोइक में हुए हैं, ठीक है ना. तो मीसोजोइक में आप देख सकते हो नंबर ऑफ ऑफिलाइट लगभग 80 ऑफिलाइट्स के आसपास हमें मिले हैं और बाकी में लो हैं ना. ऑर्डोविशन में ज़्यादा ऑफिलाइट्स हैं, ठीक है, पैलिजोइक की बात करें. ऑलराइट, सो दिस इज फॉर्मेशन एज ऑफ ऑफिलाइट्स. अब हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दिस इज योर वर्ल्ड मैप और आप ये रेड में देख सकते हैं, तो दीज आर ओरिजिनिक बेल्ट्स एंड दीज ब्लैक डॉट्स यू सी हियर आर ओफिलाइट्स, ठीक है. तो मैं ओमान की बात कर रहा था, तो समाइल ओफिलाइट्स यहाँ पे बहुत फेमस है ओमान में, ठीक है. अपने साउथ अमेरिका में यहाँ पे ओफिलाइट्स बहुत फेमस है, यहाँ पे ओफिलाइट्स बहुत फेमस हैं, ठीक है. अपलेशियन माउंटेन्स में है. फिर अल्पाइंस के ओफिलाइट्स बहुत फेमस हैं, एल्प्स के, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे. इंडिया में ITSG यानी कि हिमालयन साइड में ओफिलाइट्स बहुत फेमस हैं. अपनी असम नागालैंड की साइड भी ओफिलाइट्स बहुत फेमस हैं, ठीक है. सो इंडिया में जो फेमस ओफिलाइट्स हैं वो लद्दाख ओफिलाइट्स हैं, मायोदिया ओफिलाइट्स इन दिबांग वैली और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में नागालैंड ओफिलाइट्स हैं एंड अंडमान ओफिलाइट बेल्ट है, ठीक है. तो जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं सर्बक्शन हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अपना टिथियन ओशन क्लोज हुआ था तो यहाँ पे ओफिलेट्स पाए गए हैं. अपलेशन माउंटेन्स बने थे, यहाँ पे भी ओफिलेट्स पाए गए हैं. एंडीज में सबडक्शन हुआ तो
यहाँ पे ओफिलेट्स पाए गए, ठीक है ना। और ये अपना नॉर्थ अमेरिकन कॉर्डिलेरा है, यहाँ पे भी ओफिलेट्स हैं, ठीक है। तो अगेन दिस इज योर ओफिलेट बेल्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सरकम पैसिफिक फेनेरोजोइक मल्टीपल ओफिलेट बेल्ट, ये अपनी जापान, नॉर्थ अमेरिका, एल्पाइन हिमालयन, ठीक है। सो दिस इज योर इंडिया हेयर एंड दिस इज योर एल्प्स, दिस इज योर हिमालयन बेल्ट। ये बहुत फेमस बेल्ट ओफिलेटिक बेल्ट है जुरासिक एज की, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना ओफिलाइट्स है। सो दिस इज ऑल फॉर ओफिलाइट्स। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने एंड तक देखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरी नॉलेज गेन हो चुकी है ओफिलाइट्स के बारे में। और आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। Thank you.